हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नंबर वन मोबाइल वर्जन 1 2 3 पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये फैंटम पावर सप्लाई के बारे में। ठीक है, ये एक तरह का फैंटम पावर सप्लाई है जो कंडेंसर माइक कुछ इस तरीके के जो माइक आते हैं कंडेंसर माइक। ठीक है, तो इस तरीके के माइक को सप्लाई देने के लिए और ये पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कंडेंसर माइक है BM800। ठीक है, और लोगो किसी और कंपनी का है लेकिन ये BM800 माइक है। ठीक है, और इसको सप्लाई देने के लिए ये पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा है कि उसको अगर पूरा सप्लाई ना मिले तो ये माइक जो है वो सही से काम नहीं करता। मेरे पास मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इस माइक के बारे में, लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत थी। उसको मतलब ज़्यादा हम पास ला कर बोलते थे तभी ये अच्छे से वर्क करता था, वरना नहीं करता था। तो ये है BM800 माइक। ठीक है, उसको रख देते हैं उस साइड में। और ये है हमारा फैंटम पावर सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 वोल्ट का ये अपना पावर सप्लाई है। और जितने भी नॉर्मल माइक आते हैं जो कंडेंसर माइक आते हैं उसको सप्लाई देने के लिए 48 वोल्ट के आसपास की ज़रूरत पड़ती है, उससे कम या उससे ज़्यादा, लेकिन एवरेज इतना ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है अपना फैंटम पावर सप्लाई का बॉक्स और इसकी हम अनबॉक्सिंग शुरू। तो चलिए दोस्तों, ये अपना 48 वोल्ट का पावर सप्लाई। ठीक है, फैंटम पावर सप्लाई। और यहाँ पर ये उसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है किस तरीके का, मतलब क्या क्या उसके अंदर आता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके का है। तो चलिए उसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल सा बॉक्स खोल दूंगा और यहाँ पर एक केबल मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन सा केबल है। ठीक है, तो मैं उसको अनबॉक्स करता हूँ, खोलता हूँ। देखिए यहाँ पर USB है। ठीक है, ये वाला पोर्ट USB है और दूसरा वाला पोर्ट और सप्लाई देने का है। मतलब ये हमारे मोबाइल में जिस तरीके से सप्लाई का केबल आता है, ये फैंटम पावर सप्लाई का केबल है। ठीक है, ये वाला सीधा चला जाएगा चार्जर लैपटॉप या कंप्यूटर में और ये वाला जाएगा और फैंटम पावर सप्लाई को सप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो ये केबल इसलिए यूज़ होता है। अब देखता हूँ इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर दूसरा एक XLR मेल टू फीमेल केबल दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे पावर सप्लाई में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये दो केबल इसके साथ मिल गए हैं, ये दो वाले। और अब देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल बुक है। ठीक है, तो इसके अंदर ये यूज़र मैनुअल बुक है, उसको मैं रख देता हूँ साइड में और इस बॉक्स को भी मैं रख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो अब हम अपना फैंटम पावर सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और पीछे की ओर से कुछ ऐसा दिखता है, आगे की ओर से कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। ठीक है, उसको चालू बंद करने के लिए। और यहाँ पे एक LED दी गई है जिससे पता चलेगा कि ये पावर सप्लाई चालू है या बंद है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ स्विच और ये LED दी गई है फ्रंट साइड। ठीक है, और पीछे की साइड देखिए यहाँ पर ये DC 5 वोल्ट पावर सप्लाई का पोर्ट है, ये एक आउटपुट का पोर्ट है और ये एक इनपुट का पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे माइक का इनपुट लगेगा और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा जो सीधा जाएगा हमारे मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी चीज़ में, जहाँ से हम या साउंड कार्ड जहाँ से हम उसको मिक्स करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस डिवाइस में हम लगा देंगे। ठीक है, तो कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पावर सप्लाई का है, देख लीजिए यहाँ पे। और ये DC 5 वॉट लिखा हुआ है, पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा संभल कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये टूट बूट ना जाए। ठीक है, और ये हमारा जाएगा चार्जर या लैपटॉप या किसी और पॉट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके का केबल है। ठीक है, और मेल टू फीमेल, तो इसकी ज़रूरत हमें इनपुट के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, या इनपुट में ये वाला इनपुट में लग जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। और यहाँ पे उसके ये पॉइंट और इसके अंदर के पॉइंट देख के हमें
उसे लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लॉक टाइप है, मतलब कटा हुआ थोड़ा है, उसको हम देख के हमें यहाँ पे उसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो इसको मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे पुश करके मैंने लगा दिया, केबल लग गया है, ठीक है। तो ये हमारा सीधा अपने माइक्रोफोन में चला जाएगा, और यहाँ पे जो आउटपुट वाला जो हमारा माइक का केबल है वो एक यहाँ पे जाएगा, और जो जैक वाला होता है वो हमारे लैपटॉप साउंड कार्ड या किसी में भी अंदर जहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो उस कनेक्शन के बारे में है, हम पूरा कनेक्शन करके दिखाएंगे और उसका रिकॉर्डिंग भी करके भी देखेंगे कि किस तरीके के माइक के साथ रिकॉर्डिंग होता है और किस तरीके से माइक के बिना रिकॉर्डिंग होता है। तो ये था वीडियो दोस्तों अपने फैंटम पावर सप्लाई के बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने कनेक्शन भी दिखा दिया है। तो अगला जो अपना वीडियो आने वाला है वो उसके फुल कनेक्शन के बारे में होगा, और हम कंप्यूटर में या साउंड कार्ड में उसको किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बारे में भी होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।